हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड चीज़ ऑमलेट। ये ब्रेड चीज़ ऑमलेट कुछ अलग तरीके से बनने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग इसे एंड तक देखें। यहाँ मैंने एक अंडा ले लिया है, इसमें हम हाफ प्याज को चॉप करके ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। यहाँ मैंने एक हरी मिर्च को कट किया है। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है और हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करना है। उसे अच्छे से फेंट लें। ऑयल गर्म होते ही हमने यहाँ अंडे को ऐड कर लिया और कच्चे ही अंडे में हमें ब्रेड को ऊपर नीचे से अच्छे से सेक लेना है, ताकि जो भी अंडे का फ्लेवर है हमारा ब्रेड में भी लग जाए। ये मेरे हस्बैंड की रेसिपी है, जो बहुत ही टेस्टी और इजी है। ये आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अब थोड़ी सी कोथमीर हम ऐड करेंगे। वन साइड से अंडा अच्छे से पक जाए, 2 से 3 मिनट में हमारा अंडा रेडी हो जाएगा और उसे अच्छे से पलटी करना है, ब्रेड टूटने ना पाए। इसे हमें बहुत ही ध्यान से टर्न करना है ताकि हमारा ब्रेड टूटने ना पाए। अब हमें ऊपर से थोड़ा सी कोथमीर ऐड करना है, एक चीज़ का स्लाइस रखना है। चीज़ के स्लाइसेस का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही टेस्टी ये डिश बनती है। यहाँ मैंने ओरिगैनो डाला है और गार्लिक पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, मुझे स्पाइसी नहीं चाहिए था तो मैंने ऐड नहीं किया। अच्छे से इसे सैंडविच की तरह कट कर लें और चीज़ मेल्ट होने तक रखें। और चीज़ मेल्ट होते ही हमारा ये ब्रेड चीज़ ऑमलेट रेडी हो गया है। इसे डिश आउट कर लें। बहुत ही टेस्टी, इजी और यम्मी सी रेसिपी बनती है। प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें।